देखिए क्वेश्चन है जेई मेन 2019 10 जन सिर्फ 2 का क्वेश्चन कह रहा है लेट जेड इक्वल टू रूट 3 बाई 2 प्लस आई बाई 2 टू द पावर 5 प्लस रूट 3 बाई 2 माइनस आई बाई 2 टू द पावर 5 इफ रियल ऑफ जेड एंड इमेजिनरी ऑफ जेड रिस्पेक्टिवली डिनोट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ जेड देन। अब आप देखो इसको कॉस थीटा और आई साइन थीटा के टर्म्स में अगर लिखें तो ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के टर्म्स में, तो यहाँ पे थीटा क्या है हमारा पाई बाई सिक्स है, ठीक है। और अगर हम यहाँ लिखें कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा के टर्म्स में तो अल्फा हमारा कितना है माइनस पाई बाई सिक्स है, ठीक है। आप सब्स्टिट्यूट कर लो यही मिलेगा आपको, इसको लिखते हैं ना ई टू दी आई थीटा के बराबर, ये क्या हो जाएगा ई टू दी आई अल्फा के बराबर, सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ तो जेड इजकल टू ई टू दी आई थीटा पावर 5 प्लस ई टू दी आई अल्फा टू दी पावर 5 इज इक्वल टू ई टू दी आई 5 थीटा सब्सटीट्यूट कर दो 5 पाई बाई 6, अल्फा भी सब्सटीट्यूट कर दो ई टू दी आई माइनस ऑफ 5 पाई बाई 6, ठीक है। अब आप इसको लिख लो, ये देखो क्या है कॉस ऑफ 5 पाई बाई 6 प्लस आई टाइम्स साइन 5 पाई बाई 6 प्लस कॉस ऑफ 5 पाई बाई 6, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, और माइनस टाइम्स आई ऑफ साइन 5 पाई बाई 6, क्यों क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, और ये कट गया तो क्या आ गया 2 ऑफ कॉस 5 पाई बाई 6 को लिख सकते हैं पाई माइनस 5 बाई 6 इज इक्वल टू 2 माइनस बाहर निकल आएगा कॉस ऑफ 5 बाई 6, ठीक है। कॉस 5 बाई 6 माइनस रूट 3 बाई 2 मतलब माइनस रूट 3 आया हमारे पास, माइनस रूट 3 ये जेड फाइनली रिड्यूस होकर माइनस रूट 3 आया। ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन में क्या दे रहा है रियल ऑफ जेड ग्रेटर देन 0, नहीं भाई ये निगेटिव आ रहा है, और इमेजिनरी ऑफ जेड ग्रेटर देन 0 नहीं, सिर्फ रियल कंपोनेंट्स आ रहा है, इमेजिनरी कंपोनेंट्स 0 है। बी इमेजिनरी ऑफ जी जेड 0 तो बी सही ऑप्शन है, ठीक। सी पढ़े रियल ऑफ जेड लेस देन 0 बिल्कुल सही है, इमेजिनरी ऑफ जेड ग्रेटर देन 0 नहीं भाई, इमेजिनरी ऑफ जेड 0 के बराबर है। फिर ऑप्शन डी देखो रियल ऑफ जेड माइनस 3 नहीं भाई, माइनस रूट 3 है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ ऑप्शन बी। तो इस कदर इसे सॉल्व करना था।